तेरे इश्क ने हमको मारा। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम उनके लिए मुझसे झूठ बोल रही हो? सच सच बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं, मैं तो बस क्या? आप भी आप गलत सोच रही हैं। वो बहुत अच्छी हैं। हाँ हाँ, वो सही और मैं गलत। क्यों मुझे तुमसे बात नहीं करनी? अच्छा ना, आप ही नाराज मत हो। आप, मैं तो सिर्फ आपको वो बता रही हूँ जो सच है। अच्छा, तो अब तुम इतनी बड़ी होगी हो कि मुझे सही और गलत बताओगी? तुम बदल रही हो मरियम। नहीं, ये सिर्फ आपका वहम है। अगर आप कह रही हैं कि वो बुरी हैं तो शायद। कुछ दिन और रुक जाए ना पप्पो, इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं घर? बेटा जाना तो है ना, मैं तो तुम दोनों के लिए आया करती थी। अब खैर से तुम्हारी अम्मी आ गई। वो हमारी अम्मी नहीं है पप्पो। आपकी आयशा कहती है कि सौतेली माँ कभी सगी नहीं हो सकती। कह तो वो ठीक रही है भाई। मैंने समझाया था मंसूर को कि ये शादी वादी के चक्रों में मत पड़े, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी, लाकर बैठा दिया सौतेली माँ को। तुम अब होशियार है ना उससे, उसकी मिठास बड़ी बातों में ना आना। अरे दुल्हन तुम आओ बैठो। हम दोनों तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। जी हाँ, सुना मैंने। हेलो परी बेटा, कैसी हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। अजीब अजीब से वहम आने लगे हैं तुम्हारे। अम्मी ऐसे कोई वहम मत करें आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्बू कैसे हैं? नाराज हैं अब तक। बात भी नहीं कर रहे। मुझे लगता है मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैंने उनका दिल जो दुखाया है, उनके एतमाद को ठेस पहुंचाई है ना। जानती हो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे अम्मी। मेरा दिल दुखाया है उनका, उनका एतमाद तोड़ा है। वैसे तो तुम्हारे अब्बा कभी किसी से नाराज नहीं होते, लेकिन अगर हो जाए ना तो आसानी से माफ नहीं करते। अम्मी अब्बू को आपकी बहुत जरूरत है, उन्हें कभी तनहा मत छोड़िएगा। तुम्हें कैसे बताऊं? बात करना तो दूर, वो तो मेरी सूरत भी देखना पसंद नहीं करते। अपनी खिदमत करने का इख्तियार भी उन्होंने मुझसे छीन लिया। रोए तो मत, सब ठीक हो जाएगा। खुदा करे कि ऐसा ही हो। माशाल्लाह, इसी हफ्ते तुम्हारी भाभी और मैं उम्रे पर जा रहे हैं। अरे माशाल्लाह, मुबारक हो आपको, फिर तो एक और दावत बनती है। अच्छा, आप भी आओ ना किसी दिन भाभी को लेकर हमारे घर। हाँ हाँ, जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यह है परी साहब, मेरी वाइफ, और ये हैं मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे भाई तुफैल साहब, और ये इनकी वाइफ। माशाल्लाह, आपको जिंदगी का ये खूबसूरत सफर बहुत बहुत मुबारक। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, जरा खाने पीने का बंदोबस्त करना, चाय भी भेज देना, और भाभी को जरा ले जाना अपने साथ, हम इस बात कर रहे हैं। जी आइए। मिस परीजाद, जिन्होंने मुझे ही नहीं, मुझ जैसी कई लड़कियों को ख्वाब दिए, आज वो खुद इतनी बेबस हो जाएंगी।
यकीन नहीं आ रहा। आंखों में ख्वाबों को नहीं मानना, ख्वाबों में आंखों को लेकर जीना है। उन रास्तों पे नहीं चलना जिस पे दिल ना माने। इल्म से मोहब्बत करो, इल्म बांटो। यही सब आप कह के हम सब स्टूडेंट्स के दिल में जज्बा पैदा किया करती थी ना। मैं अम्मी से कहती थी मुझे आप जैसा बनना है, आप जैसे बड़े बड़े काम करने हैं। दुख हो रहा है ये देख के, आज वही हस्ती अपने ऊपर सारे इख्तियार खो चुकी है। आपको पता है जब अम्मी ने मेरा रिश्ता तय किया तो मैं उनसे कितना लड़ी, सिर्फ इस बात पे कि मुझे आप जैसा बनना था, परिजात। लेकिन आज आपको देखकर मेरा सारा जज्बा खत्म हो गया। मैं तो गलती पर थी, आप तो मेरी ही तरह एक कमजोर औरत निकली। रुक जाओ नूरबानो, तुम्हारी बात खत्म हो गई है लेकिन मेरी नहीं। तुम्हारा ये मजाक उड़ाता चेहरा मुझे दुख नहीं दे रहा। मैं भी इसी माशरे में रहती हूँ और मैं भी और लड़कियों की तरह मुख्तलिफ नहीं हूं। और तुमने ठीक कहा, औरत हमेशा मुसालियत पर तैयार रहती है मगर वो कमजोर नहीं है। मैं आज भी अपने मकसद से हटी नहीं हूं और ना ही तुमसे नजरें चुरा रही हूं नूरबानो। देख लो, शादी के बाद भी मैंने अपने ख्वाबों को मरने नहीं दिया, बल्कि पता है तुम्हें, इन ख्वाबों में और लोगों के ख्वाब भी शामिल हो गए। कहते हैं ना कि हर इंसान इस दुनिया में एक मकसद से आता है। मेरा भी इस घर में आने का मकसद था। जब मैं यहाँ इस घर में आई तो मुझे नहीं पता था कि कुदरत मुझसे क्या काम लेना चाहती है, मगर फिर मुझे समझ में आ गई कि मुझे यहाँ इन दो लड़कियों की मदद के लिए भेजा गया है, जिनके पास कलम उठाने के लिए हाथ तो है मगर हिम्मत नहीं है। और मैं दूंगी उन्हें ये हिम्मत, मैं दिलवाऊंगी उन्हें उनका हक। हाँ, शायद मैं सारी दुनिया की सोच तो नहीं बदल सकती, लेकिन जितना मैं कर सकती हूँ वो मैं जरूर करूंगी। कमजोर ना मैं हूं और ना तुम, हमने अपनों के लिए कुर्बानी दी और कुर्बानी देने वाला इंसान कमजोर नहीं कहलाता। कि आप क्या कर रहे हैं? मलिहा घर में नहीं थी तो मुझे बता दिया होता, मैं बना देती। अच्छा चले हटे, आप मैं बना लूंगा। बात नहीं करनी तो ना कीजिए, लेकिन अपनी खिदमत करने का हक तो मुझसे ना छीने। मैं अपना कसूर मान चुकी और हर किस्म की सजा के लिए भी तैयार हूं। मुझे माफ कर दीजिए, इस तरह अजनबी बनकर मुझे अजियत मत दीजिए। जिस सहारे की उम्मीद थी वो तो परदेश जाके बैठ गया है, अब हम बूढ़ा बूढ़ी ही तो एक दूसरे का सहारा है। मुझे माफ कर दीजिए, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज अब हंसना बंद करो। आज रात को फिर मैं तुम्हें कॉल करूंगा तो क्या फिर तुम उसी तरह मेरी कॉल कट कर दोगे? असद, मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब्ड हूं। एक तो मुझसे काम नहीं हो रहा है और ऊपर से मेरी फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ा रही हैं। क्यों डिस्टर्ब क्यों, और किसकी जरूरत है जो तुम्हारा मजाक उड़ाए? असद, मैं नाक की सीध में आने जाने वाली लड़की हूँ, ये प्यार व्यार घंटों फोन पे बातें आई कांट अफोर्ड। हाँ, मेरा तो जैसे ये प्रोफेशन है ना। मैंने ये कब कहा? वाह,
कह भी दिया और मुकर भी गई। असद, मुझे अपने घर वालों से कब मिलवा रहे हो? बहुत जल्द। असद, इस प्रोजेक्ट को हमें कामयाब बनाना है, क्योंकि इसकी कामयाबी में ही हमारे ख्वाबों का खजाना छुपा हुआ है। मैं भी रात से यही सोच रहा था कि मैडम मुझ पर जितना भरोसा करती हैं, मुझे साबित करना है कि मैं इसके लिए डिजर्व करता हूँ। मैं कैसे स्कूल जाने को तरसती थी, अब देखो, अब इस प्रोजेक्ट से हजारों बच्चों को तालीम हासिल होगी और मुझे लगेगा कि मेरा ख्वाब पूरा हो गया है। ये पेपर्स देख लो और इनको स्टडी कर लो। अच्छा सुनो, ये भी पढ़ लो। हेलो सदफ, कैसी हो तुम? आज यहाँ आया, सोचा तुमसे मिलता चलूं। ये भाई साहब कौन है? बॉयफ्रेंड? ओह हेलो डूड, ये लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए गुस्सा सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता, और वैसे भी मेरा मानना है कि लड़की तो कोई फूल होती नहीं है कि कोई भी सूंघेगा तो मुरझा जाएगी। आज तुम कंपनी दे लो, मैं फिर आ जाऊंगा। प्लीज लिसन, इसे जाने दो, तुम्हें मेरी कसम। मेरी कसम? तो बात कसमों तक पहुंच गई। वाह डूड, इसने तो तुम्हें अपनी कसम देकर रोक लिया, लेकिन जिस दिन ये मेरी जिद बन गई ना, उस दिन मुझे कोई नहीं रोक सके। सो रिलैक्स। ओके ओके सदफ, आज मैं जरा जल्दी में हूं, फिर दोबारा बात होगी इंशाल्लाह। और प्लीज आप लोग बैठ जाइए। रिलैक्स रिलैक्स। ये मैडम का भाई है, पता नहीं मैडम से लड़ाई करके ही आया होगा। तुम जानते नहीं हो इसको, ये कितना बड़ा कैरेक्टर है। खैर चलो मैडम से बात करके आते हैं। मम्मी क्या हुआ, आपने खाना नहीं खाया? बेटा तुम्हारे अब्बा ने खा लिए? जी, सबसे पहले तो मैं उन्हें ही खिला के आ रही हूँ। चलें, आप भी खाने आके। मुझे भूख नहीं है, रोज सोचती हूँ कि शायद तुम्हारे अब्बा की नाराजगी खत्म हो जाए और मुझसे सुलह कर ले, लेकिन नहीं, उनका दिल तो मेरी तरफ से साफ ही नहीं होता। तो बस एक ही दुआ मांगती हूँ दिन रात, कि मेरे आखिरी वक्त तुम्हारे अब्बा का कंधा मुझे नसीब हो जाए। मी, अल्लाह ना करे आप दोनों को कुछ हो, खुदा हम तीनों बहन भाइयों के सर पे आप दोनों का साया हमेशा सलामत रखे। देखिए, आप अब्बू की नाराजगी को दिल से ना लगाएं, वक्त ने जो घाव उन्हें दिए हैं उनके भरने का इंतजार करें। चलें, अब खाना खा लें, चलें, रोए मत, सब ठीक हो जाएगा, चलें। पापा, अर्शद ने तो मुझे आज बताया कि आपकी तबीयत इतनी खराब है। बीमारी का क्या है मंसूर, आती जाती रहती है। अर्शद तो मेरा बहुत ख्याल रखता है, लेकिन बेचारा कब तक घर के कामकाज करेगा? घर में बहू होती तो सहूलत रहती। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप, भला शादी से पहले आयशा यहाँ आकर आपकी खिदमत करने से तो रही। नहीं नहीं आपा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आयशा आपकी होने वाली बहू है और उसका फर्ज बनता है कि आपकी खिदमत करे। बल्कि आप अभी मेरे साथ मेरे घर चले, वहां सब हैं, आपका सब ख्याल रखेंगे। मगर अर्शद। अरे आपा, कैसी गैर वाली बातें आप कर रही हैं, अर्शद कोई गैर थोड़ी है, ये भी वहां रहेगा, सब आपका ख्याल रखेंगे। उधर जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होती आप आराम से वहां रहें, बस।
सच्ची आप हमें पढ़ाएंगी? हाँ, लेकिन अब्बा। तुम्हारे अब्बा को तुम दोनों के बाहर जाकर पढ़ने पर एतराज है ना? जब टीचर घर में मौजूद है फिर तो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। हाय अल्लाह, कितना मजा आएगा, इतनी सारी किताबें वो भी हमारे लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। पर अब्बा तो नहीं मानेंगे। हाँ, अब्बा तो नहीं मानेंगे। तो अब्बा को बताना ही मत ना। और वैसे भी अच्छा काम खामोशी से करने में कोई हर्ज नहीं होता, समझ आई? चलो तुम दोनों कोर्स चेक करो, मैं चेंज करके आती हूँ। बिल्कुल साहब, जब तक सेहतयाब नहीं हो जाती वो यही रहेंगी। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तरफ से उनको कोई शिकायत हो। बात तो नहीं रही थी लेकिन मैंने जिद की तो वो आ गई। और आपका भांजा अर्शद? मेरा मतलब है वो भी यही रहेगा। क्यों, कोई इतराज है तुम्हें? माफ कीजिएगा लेकिन मुझे लगता है कि वो अच्छी सोबत में उठता बैठता नहीं है। अब तुम अर्शद में कीड़े निकालोगी ना, इसलिए कि आयशा के लिए तुम्हें वो पसंद नहीं है। उस दिन शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, अर्शद इस घर का होने वाला दामाद है और इस खानदान में दामाद को बेटों जैसी इज्जत दी जाती है। उसे ऐसा कुछ ना कहना कि मुझे बाद में आपा के सामने शर्मिंदा होना पड़े। मामू की तो ठाठ ही अलग है। सच बताऊं पूरा साइश घर की बात ही अलग होती है। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है अम्मा? देखो अर्शद, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुमने मंसूर को जानबूझकर उकसाया है ना कि वो हमें यहाँ ले आए। आयशा से तुम्हारा बढ़ता हुआ जुनून मुझे परेशान कर रहा है। कुछ ऐसी वैसी हरकत मत करना वरना जितनी इज्जत देकर मंसूर हमें यहाँ लाया है ना, उतनी ही जिल्लत से तुम्हें बाहर निकाल देगा। तुम्हारी करतूतों से मुझे बड़ा डर लगा रहता है। अच्छा अम्मा, ज्यादा तारीफें मत कर वरना मेरी हरकतों की वजह से नहीं, मेरी जुबान की वजह से तो जरूर निकाले जाएंगे। अच्छा ठीक है, अपनी नजरें झुका कर रखना और इधर उधर नजरें ना मारते फिरना। तुम्हारी मुमानी अकड़ मजाज की है, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ अम्मा ठीक है। पापी, क्या आप अब भी गलत समझती हैं टीचर को? आपसे मतलब? उन्होंने ऐसा क्या किया जो मैं उनको गलत समझूं? वो कितना कुछ सोच रही हैं हमारे बारे में, कितने अच्छे तरीके से पेश आती हैं हमारे साथ। अब्बा की डांट और आपकी नफरत के बावजूद किसी से कोई शिकायत नहीं करती, क्या ये उनकी अच्छाई नहीं है? मरियम तुम बहुत बोलती हो, सो जाओ चुप करके, रात काफी हो गई है, मैं भी बहुत थकी हूँ, मुझे भी सोना। तुम बिल्कुल फूल लड़के हो, घर की हालत देखी है तुमने? कचरा हो रहा था घर में, सारा घर इतना गंदा हो रहा था। मम्मी ने बताया था कि आज नजमा छुट्टी थी। तो नजमा को छोड़ो ना, कोई ऐसी जिम्मेदार औरत रखो जो घर को संभाले, साफ करे। उसकी अब क्या जरूरत है? क्या मतलब? तुम हो ना मासी। अरे वाह, एक तो मैं तुम्हारे घर के बर्तन धोऊं और तुम मुझे मासी कह रहे हो अली? अरे मजाक में मासी कह रहा था, चलो चल के साथ खाना खाएं। ऐसा सोचना भी मत वरना शादी से पहले ही दफन कर दूंगी। मुझे या उस लड़की को? जी नहीं, तुम्हें। सोच लो,
नुकसान तो तुम्हारा ही होगा, मरने के बाद मुझे तो हूरें मिल जाएंगी, तुम मेरी याद में अकेले बैठ के रोती रहोगी। नाश्ता? अरे भाई तुम नाश्ता यहीं ले आई? अरे भाई मैं बीमार हुई हूँ, पैरों से मफलूज नहीं कि टेबल तक ना आ सकूं। उन्होंने कहा था कि नाश्ता आपके कमरे में लगा दूं, अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं ले जाती हूँ। अच्छा सुनो, नाश्ता ले ही आई हो तो वापस लेकर जाना बुरा लगता है ना, रख दो। जी तुम्हें मंसूर ने यह भी कहा है कि नाश्ता करवा कर ही वापस आना है? मेरे सर पर क्यों खड़ी हो? नहीं मैं तो बस वैसे ही, मैं चली जाती हूँ। ओहो तुम तो बुरा मान गई बेटा, मैं तो यूं ही कह रही थी। ओ बैठो मेरे पास, बैठो आओ ना। नाश्ता किया तुमने? नहीं उन्हीं के साथ करूंगी। तो बेटा आ जाओ मेरे साथ कर लो। नहीं मैंने कहा ना आपसे उन्हीं के साथ नाश्ता करूंगी। तुम बेशक मुझे पराया समझो लेकिन मैं तो तुम्हें अपना समझती हूँ। बच्चों ने कबूल किया तुम्हें? कर लेंगे, बड़े ही मजबूत झंडे हैं, आसानी से नहीं उखड़ेंगे। माँ हो जरा सख्ती से बर्ताव किया करो। आप नाश्ता करें ठंडा हो जाएगा। मेरा फर्ज तो समझाना था, आगे जैसे तुम्हें समझ आए कर लो। मारक तो मुझे नहीं पीनी अभी। वो खाने पर मेरा इंतजार ना करना, मेरे शायद देर हो जाए। कहीं जा रहे हैं? हाँ वो तो फैल भाई जा रहे हैं ना उम्रे पर, तो उनके साथ खाना खाने मिले, तुम्हें भी साथ ले जाता लेकिन आपा की मौजूदगी में हमारा इकट्ठे जाना कुछ मुनासिब नहीं है। तुम जानती हो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो। वो कल रात मेरे कमरे में। वालेकुम अस्सलाम। रात को नींद ठीक से आई? जी बिल्कुल मामू जी, लेकिन शायद ममानी जान पूरी रात जागती रही है। क्यों भाई? मेरा मतलब रात देर तक बुक्स पढ़ने का शौक जो है ना। तो अच्छी बात है ना, वैसे भी आपने सुना ही होगा खाली दिमाग शैतान का घर होता है, किताब पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। इस सुबह सुबह किस बहस में पड़ गए, मैं जा रहा हूँ मुझे देर हो रही है। अरे सुने वो आपके रास्ते में इनकी दुकान पड़ती है ना, तो साथ ही ले जाएं। अरे हाँ तुम चलो मेरे साथ। नाश्ता किया तुमने? नहीं मामू जान बस मैं अभी। अच्छा तुम फटाफट नाश्ता कर लो फिर इकट्ठे निकलते हैं, मैं जब तक जरूरी फोन कर लूँ। सुनिए तो मैं उधार ज्यादा देर अपने पास नहीं रखता हूँ, सूद समेत वापस लौटाता हूँ। होशियार रहिएगा।
अरे जल्दबाजी नुकसानदेह होती है, दो घड़ी सांस तो ले लो लड़की, अभी तो बहुत वक्त है। अम्मी मैं लेट होना बिल्कुल नहीं चाह रही। सालिया मैडम कह रही थी जुनेर साहब वक्त के बहुत पाबंद है। अम्मी अगर आज की डील पक्की हो गई ना तो सालिया मैडम कह रही थी कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन अगर सेंटर का काम बढ़ेगा तो फिर जगह भी तो ज्यादा चाहिए होगी ना बेटा। अम्मी आप आगे की टेंशन मुझे अभी क्यों दे रही है? तो आज की मीटिंग में तय होगा ना कि जुनेर साहब मुझसे क्यों मिलना चाह रहे हैं। वैसे अम्मी मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं, मैं कैसे संभालूंगी? बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे बढ़ते हुए हौसले को मारा है। इसे परी ठीक कहती है, बच्चों की परवरिश करने के लिए हम वालदैन उनको सब कुछ देते हैं, बस एतबार नहीं देते जिसकी उनको बहुत जरूरत होती है। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ। शुक्रिया अम्मी, देर हो रही है। अरे ध्यान से जाना। जी दास दास। हाँ भाई, होगी गाड़ी तैयार? जी साहब, साहब बताना भूल गए, भाभी आई थी। अबे कौन सी भाभी? बहना भाभी। अबे ये क्या बोला तू? कहीं मम के घर का पता तो नहीं बता दिया तुमने? अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो। अरे ये कहाँ से आ गई? बेटा बस करो, थक जाओगी। कोई बात नहीं पुप्पो, आपको तो आराम मिल रहा है ना? मुझे तो आराम तब होगा जब तुम मेरे घर आ जाओगी। तुम दोनों की शादी देखने का बहुत शौक है मुझे। क्या हुआ, तुम मेरी इस बात से खुश नहीं? नहीं पुप्पो, अर्शद भाई तो, अरे वो तुमसे 2-3 साल ही बड़ा है ना, तो पता इससे क्या फर्क पड़ता है? बेटा वैसे भी जो शोहर 2-3 साल बड़े होते हैं वो अपनी कम उम्र बीवियों की बहुत कदर करते हैं, और अर्शद, अर्शद तो तुम्हें शुरू से पसंद करता है। क्या हो गया आजकल के बच्चों? पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया। पहले तो बच्चों के रिश्ते तय हो जाते थे और बच्चों को पता भी नहीं चलता था, और राजी खुशी शादी भी हो जाती थी। अजीब दौर आ गया है, बड़ों के फैसलों की कोई अहमियत ही नहीं है। और तुम कैसी माँ, समझाओ उसे कि उसकी शादी अर्शद से ही होगी। बस जिस रिश्ते में एक तरफा खुशी हो वो रिश्ता पायदार कैसे हो सकता है? आप भी तो माँ है, आपने ना सिर्फ अपने बेटे को पाला है बल्कि इन दोनों बच्चियों की परवरिश भी की है। क्या आपका फर्ज सिर्फ अपने बेटे की खुशी देखना है? अरे दोनों की खुशी ही तो देख रही हूँ मैं। कल को पराए घर जाएगी, ना जाने कैसे लोग होंगे, अपने फिर अपने ही होते हैं। जी सूप पी लीजिएगा, ठंडा हो जाएगा। अभी दिल नहीं कर रहा,
पी लूंगी मैं थोड़ी देर तक। मैं जानती हूँ आयशा, तुम मुझे अपनी जाती जिंदगी में दखल देना पसंद नहीं करोगी, लेकिन कम से कम एक घर में एक साथ रहते हुए एक दूसरे का दुख दर्द शेयर करना तो इंसानियत का तकाजा है। अगर तुम्हें अर्शद से शादी नहीं करनी और ये बात तुम अपने अब्बा को नहीं बता सकती, तो कम से कम पप्पो से तो ये बात डिस्कस कर सकती हो ना। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, उनका दिल नहीं तोड़ सकती। वो इतना अच्छा है ही नहीं कि मैं उसको पसंद करूं। पता नहीं अब्बा और फूफो को उसकी बुराइयां नजर क्यों नहीं आती है। मुझे लगता है कि तुम्हारे अब्बा को अर्शद की हरकतों के बारे में कोई इल्म नहीं है। हाँ, लेकिन फूफो उसके बारे में सब कुछ जानती है और अर्शद की गलतियों पर पर्दा भी डाल रही है। वो कहते हैं ना कि औलाद चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो, माँ के लिए कभी बुरी नहीं होती। और ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारी शादी अर्शद से करके उसे सुधारने का मौका दे रही हो। मगर उसको सुधारने के लिए मेरी ही कुर्बानी क्यों? आज अगर मेरे सर पे भी माँ का साया होता तो मेरी भी कोई सुनने वाला होता। लेकिन ये सब बातें मैं आपसे क्यों कर रही हूँ? आपसे मेरा रिश्ता ही क्या है? आयशा मैम, प्लीज आप जाए यहाँ से। आपका और मेरा रिश्ता सिर्फ एक टीचर और स्टूडेंट का है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। प्लीज जाएं आप यहां से, चली जाएं। नहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।